दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बता दें 4 PM न्यूज नेटवर्क की टीम इस समय मैनपुरी में है और हमारे साथ इस समय धर्मेंद्र जी है। धर्मेंद्र जी से बात करेंगे मैनपुरी के चुनाव के बारे में। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर माहौल के बारे में पहले थोड़ा सा बताएं। मैं समझता हूँ मेरे से अलावा भी आपने माहौल पता किया होगा और माहौल बिल्कुल समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार आदरणीय डिंपल जी को जिताने का है और सत्य नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये चुनाव है, जिसे मैं समझता हूँ सभी मैनपुरी वासी इसमें भागीदार बनना भी चाहते हैं और बनेंगे। बिल्कुल सर, एक बात और भी कर लें, अभी बात हुई जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए करहल में, काफी सारे बड़ी बातें कर दें, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? शिवपाल जी को लेकर भी काफी कुछ कहा, पेंडुलम फुटबॉल तक के वर्ड यूज करेंगे। उसका जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, चाचा के झूला ऐसा होगा कि बाबा जी समझ नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब दे चुके, उससे बेहतर जवाब उनके लिए हो नहीं सकता। जहाँ तक चाचा का सवाल है, अरणी चाचा जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, उनके आने से, उनके साथ देने से जहाँ पारिवारिक एकता हुई है, वही पार्टी के लोगों को भी, मैनपुरी के चुनाव को भी एक अलग संदेश है। यही चीज़ बाबा जी बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो अमर्यादित भाषण भी बोल रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री को सौभाग्य सिक्योरिटी कर दी गई। 22 हो सकता है, एक्स हो सकता है, गायब भी कर रहे हैं, वो तो बाबा जी के हाथ की बात है। लेकिन बाबा जी विधानसभा में क्या क्या कह रहे थे, चाचा के इतने हमदर्द थे, आखिर वो हमदर्दी कहाँ चली गई? चाचा ने केवल परिवार का साथ देने का फैसला ले लिया, इसलिए हमदर्दी खत्म हो गई क्या बाबा जी? तो आगे चल के क्या देख रहे हैं, किस तरीके के आगे स्टेप मौजूदा सरकार लेने वाली है? सरकार चुनाव में लगातार प्रयास कर रही है बेईमानी करके और तमाम तरीके के हथकंडे अपना के, लेकिन मैनपुरी की जनता का इतिहास अलग है। यहाँ के लोगों के साथ जितना अत्याचार और अन्याय करती है सरकार, फिर ये लोग उतना ही मजबूती से जवाब देते हैं और मजबूती से इस बार जवाब देते हुए माननीय डिंपल जी को बड़े वोटों से जिताने वाले। अच्छा एक बात और कर ले, एक लिस्ट भी अभी जारी होती है पुलिस वालों की जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगने वाली, जिसमें ना भी कोई मुस्लिम था ना भी कोई यादव, उसके बाद SP बयान दे देते हैं, फर्जी लिस्ट है, लेकिन लगातार ये कॉन्ट्रोवर्सी जारी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? अरे फर्जी कोई लिस्ट नहीं है, इसी तरह की कार्रवाई SP साहब, यहाँ के प्रशासन के लोग कर रहे हैं, जिस पर आदरणीय प्रभाव साहब कल चुनाव आयोग मिलने भी गए थे। और अभी भी मैं आपसे बात करने से कुछ ही समय पहले मैं ऑब्जर्वर साहब से इन तमाम शिकायतों को लेकर मिल के आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद शायद निष्पक्ष चुनाव हो जाए, हालांकि प्रशासन की नीयत बहुत खराब है। अच्छा इलेक्शन को लेकर भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे कि इलेक्शन के दिन भी इस तरीके से कोई बड़ी घटना घटित ना हो, जिस तरीके से बाकी जगह पे आरोप लगाते रहे, इसको लेकर किस तरीके से? कोई घटना नहीं, फ्री एंड फेयर मतदाता निर्भीक होकर वोट डालें, अपनी स्वतंत्रता के साथ वोट डालें, यही हम सबका प्रयास है और यही प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन योगी जी आते हैं तो प्रशासन के लोगों से, अधिकारियों से वोट मांगते हैं, CDO साहब प्रधानों से मांगते हैं, DSO साहब कोटे धारकों से मांग रहे हैं, पुलिस के लोग सभी से वोट मांगते घूम रहे हैं। ये मैनपुरी के अंदर चल रहा है, ये मेरी बात ना मानिए, आप खुद मैनपुरी में जगह जगह जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे। सर एट द एंड क्षेत्र की जनता से, मैनपुरी जनता से क्या अपील? मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का साथ निभाया है, नेताजी को नेताजी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है मैनपुरी के लोगों का। वहीं नेताजी किसी भी पद और प्रतिष्ठा पर रहे हों, किसी भी जिम्मेदारी पर रहे हों, लेकिन नेताजी के दिल में हमेशा मैनपुरी रहा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मैं नेताजी के साथ अस्पताल में था, नेताजी जब तक बातचीत कर रहे थे, नेताजी जब तक ICU में नहीं गए थे, अक्सर नेताजी मैनपुरी के लोगों के हालचाल, यहाँ के लोग दुख दर्द और परेशानियों के बारे में चर्चा करते रहते थे, डायरेक्शन दे रहे थे कि लोगों का ख्याल रखना है, लोगों को दिक्कत ना हो पाए। नेताजी के दिल में कठिन से कठिन और गंभीर बीमारी की हालत में भी नेताजी के दिल में मैनपुरी थी। शायद नेताजी को अपने स्वास्थ्य की भी इतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता मैनपुरी के लोगों में, और यही रिश्ता नेताजी ने मैनपुरी के लोगों के साथ और मैनपुरी वालों ने नेताजी के साथ बनाया है। और आज का ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। मैं समझता हूँ मैनपुरी का हर बासिंदा, मैनपुरी का हर मतदाता इसमें नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने में कोई पीछे नहीं हटेगा। थैंक यू। तो हमारे साथ आप देख रहे धर्मेंद्र जी से हमारी बात हो रही थी, काफी सारी बातें हमें कही, मैनपुरी जनता से लास्ट में अपील करी है डिंपल यादव जी को सपोर्ट करें। आगे देखिए क्या होता है मैनपुरी में, तमाम सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है। जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ, मैं क्षितिज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।